नमस्ते। क्या आप अपनी मानसिकता को बदलने और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए 5 दिन की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? हिंदू संस्कृति में मन की तुलना अक्सर कमल से की जाती है। यह गंदे पानी में पनपता है, फिर भी उनसे अछूता रहता है। अगले कुछ दिनों में हम यह पता लगाएंगे कि कालातीत आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई से निहित सरल व्यावहारिक कदमों के माध्यम से अपने मन को शुद्ध और मजबूत कैसे करें। पहला दिन, नींव की स्थापना। संस्कृत के एक श्लोक से शुरू करें। मन एव मनुष्यणा कारणं बंध मोक्षयोः। केवल मनुष्य ही बंधन या मुक्ति का कारण है। उपनिषदों का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे मन में दुख या स्वतंत्रता की कुंजी है। समझाएं कि मानसिकता सभी कार्यों की नींव कैसे है। एक अशांत मन अराजकता पैदा करता है, जबकि एक शांत मन स्पष्टता और उद्देश्य को बढ़ावा देता है। हिंदू आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित आत्म परिवर्तन की यात्रा के रूप में 5 दिवसीय योजना का परिचय दें। दिन 1, जागरूकता और स्वीकृति। मुख्य अवधारणा, अपने विचारों की शक्ति को स्वीकार करें। आत्म प्रतिबिंब के साथ दिन शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और निर्णय के बिना अपने विचारों का निरीक्षण करें। यह साक्षी भाव, साक्षी चेतना की अवधारणा से प्रेरित है। गतिविधि, आवर्ती विचारों को लिखें, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। इसे कर्म में हिंदू विश्वास से संबंधित करें। हर विचार कार्रवाई का बीज है। जागरूकता आपको विकास के लिए सही बीज बोने में मदद करती है। प्रतिज्ञान, मैं खुद को स्वीकार करता हूं जैसा मैं हूं। मैं अपने विचारों और कार्यों से अवगत हूं। दिन 2, मन की शुद्धि, 2 मिनट। मुख्य अवधारणा, सकारात्मकता के लिए जगह बनाने के लिए नकारात्मकता को साफ करें। सुबह का अभ्यास, मन को शांत करने के लिए प्राणायाम, श्वास व्यायाम का अभ्यास करें। विशेष रूप से अनुलोम विलोम या वैकल्पिक नथुने श्वास का प्रयास करें, जो ऊर्जा चैनलों नाडिस को संतुलित करता है। चर्चा करें कि सात्विक भोजन, शुद्ध आहार का अभ्यास मन को कैसे प्रभावित करता है। मन और शरीर पर इसके शांत प्रभावों के लिए हिंदू संस्कृति में हल्का शाकाहारी भोजन खाने पर जोर दिया गया है। गतिविधि, 3 आदतों या विचारों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। कागज को जलाएं, प्रतीकात्मक रूप से इसे अग्नि को अर्पित करें, मानसिक सफाई के लिए एक अनुष्ठान के रूप में। दिन 3, परमात्मा से जुड़ना। मुख्य अवधारणा, अपने मन को उच्च चेतना के साथ संरेखित करें। अपने दिन की शुरुआत जब ध्यान मंत्र जाप से करें। अपने विचारों को परमात्मा पर केंद्रित करने के लिए ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण जैसे मंत्र चुनें। समझाएं कि मंत्र पुनरावृत्ति मानसिक बकवास को कैसे साफ करती है और आपके उच्च सुसे संबंध को मजबूत करती है। इसे भगवद गीता से संबंधित करें, जहां कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं, अपना मन मुझ पर स्थिर करो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरे लिए बलिदान करो, मुझे नमन करो और तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। गतिविधि, चुपचाप अपने चुने हुए मंत्र को दोहराने और इसके अर्थ पर प्रतिबिंबित करने के लिए 10 मिनट समर्पित करें। दिन 4, सकारात्मक आदतों की खेती। मुख्य अवधारणा, उत्थान वाले लोगों के साथ हानिकारक पैटर्न बदलें। योग सूत्रों से नियम, सकारात्मक प्रथाओं की अवधारणा का परिचय दें, जैसे संतोष, आत्मानुशासन, तप और कृतज्ञता, ईश्वर प्रणिधान। सुबह का अभ्यास, कृतज्ञता व्यक्त करके अपने दिन की शुरुआत करें। 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। गतिविधि, शामिल करने के लिए एक सकारात्मक आदत की पहचान करें, जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना, जैसे भगवद गीता, जर्नलिंग या दयालुता का कार्य करना। चित्त के उत्थान में सत्संग, बुद्धिमान लोगों या आध्यात्मिक चर्चाओं की संगति की भूमिका पर चर्चा करें। दिन 5, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ रहना। मुख्य अवधारणा, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक उपकरण के रूप में अपने दिमाग का उपयोग करें। धर्म की हिंदू अवधारणा का परिचय दें, धार्मिकता और कर्तव्य का मार्ग। जब मन आपके धर्म के साथ संरेखित होता है तो जीवन सार्थक हो जाता है। सुबह का अभ्यास, सूर्य को कृतज्ञता अर्पित करते हुए सूर्य नमस्कार करें। क्रियाकलाप, अपना व्यक्तिगत धर्म कथन लिखिए। अपनी ताकत पर चिंतन करें और आप अपने आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं।
निरंतरता के महत्व पर जोर दें। हिंदू घरों में तुलसी के पौधे को पानी चढ़ाने की दैनिक रस्म की तरह छोटी लगातार प्रथाएं विकास का पोषण करती हैं। एक, मन बेचैन, अशांत और नियंत्रित करने में मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास और अनासक्ति के माध्यम से जीता जा सकता है। स्पष्टीकरण, यह पद मन को वश में करने की चुनौती पर प्रकाश डालता है, जो अक्सर इच्छाओं, भय और विकर्षणों से भरा होता है। हालांकि ध्यान जैसे नियमित अभ्यास और भौतिक लालसाओं से वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति आंतरिक शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकता है। हिंदू शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि एक अलग दृष्टिकोण के साथ संयुक्त निरंतर प्रयास मन पर स्वामित्व की ओर ले जाता है। दो, वह जो सभी प्राणियों को अपने स्वयं के रूप में दिखता है और सभी प्राणियों में अपने स्वयं के रूप में सभी भय खो देता है। स्पष्टीकरण, यह गहन अंतर्दृष्टि सभी अस्तित्व की एकता को सिखाती है। जब हम पहचानते हैं कि एक ही दिव्य सार हर किसी और हर चीज में रहता है, तो भेद और भय घुल जाते हैं। यह परिप्रेक्ष्य सार्वभौमिक करुणा, निस्वार्थता और साहस को बढ़ावा देता है, आध्यात्मिक सद्भाव की स्थिति में लंगर डालता है। तीन, सच्चा ज्ञान सभी चीजों में एक को देखना और सभी चीजों में एक को देखना है, भगवद्गीता। व्याख्या, यह वाणी जीवन की परस्पर प्रकृति को प्रकट करती है। सभी प्राणी और रूप एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न होते हैं। इस एकता को समझने से हमें अहंकार और लगाव को पार करने की अनुमति मिलती है, जिससे हम सभी जीवन रूपों के लिए विनम्रता और सम्मान के साथ रह सकते हैं। चार, हर तरफ से महान विचार हमारे पास आए, ऋग्वेद। व्याख्या, वेदों का यह प्राचीन श्लोक जीवन के प्रति खुले विचारों वाले और समावेशी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। आध्यात्मिक विकास तब पनपता है जब हम विविध दृष्टिकोणों से ज्ञान का स्वागत करते हैं और अपनी सीमित समझ से परे सत्य के प्रति ग्रहणशील रहते हैं। पांच, जैसे धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि जलकर सभी कर्मों को भस्म कर देती है, भगवद्गीता। व्याख्या, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार परम मुक्तिदाता है। जिस तरह अग्नि अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को खा जाती है, उसी तरह सच्चा ज्ञान अज्ञानता और पिछले कर्मों को नष्ट कर देता है, आत्मा को जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र से मुक्त कर देता है। यह वाणी हमें ईमानदारी से समर्पण के साथ आध्यात्मिक शिक्षा और आत्म जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। छह, घास की तरह विनम्र, पेड़ की तरह सहनशील और सागर की तरह क्षमाशील बनो। व्याख्या, यह शिक्षण आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक गुणों पर जोर देता है। घास विनम्रता का प्रतीक है क्योंकि यह बिना टूटे झुकती है, पेड़ बिना शर्त देते हैं और महासागर निर्णय के बिना सब कुछ अवशोषित करते हैं। ये गुण आंतरिक शांति का पोषण करते हैं और ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। साथ, अपने कर्मों के फल से खुद को अलग करो, फिर भी समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो, भगवद्गीता। स्पष्टीकरण, यह ज्ञान हमें परिणाम से जुड़े बिना कार्य करने की सलाह देता है, इसके बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह की टुकड़ी कर्मयोग के साथ संरेखित होती है, हमें सिखाती है कि ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना, जबकि एक उच्च शक्ति के लिए परिणाम समर्पित करना, संतोष और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। आठ, दूसरों की सेवा करके व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, रामकृष्ण परमहंस। व्याख्या, रामकृष्ण परमहंस के शब्द निस्वार्थ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। दूसरों की मदद करके हम उनके भीतर के दिव्य सार से जुड़ते हैं। यह वाणी हमें दया, उदारता और करुणा पैदा करने के लिए प्रेरित करती है, सेवा के हर कार्य को ईश्वर को भेंट के रूप में देखती है। नौ, मौन जागृत की वाणी है, रमण महर्षि। व्याख्या, यह शिक्षा मौन की शक्ति को रेखांकित करती है। सच्ची समझ अंतहीन शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मजांच के माध्यम से आती है। मौन आत्मा को अपने स्रोत से जुड़ने और भाषा से परे गहन सत्य तक पहुंचने की अनुमति देता है। दस, स्वयं को प्रकाश और आनंद के अनंत सागर के रूप में ध्यान दें। जान लो कि तुम वह प्रकाश हो, उपनिषद। स्पष्टीकरण, यह वाणी हमें हमारे वास्तविक स्वरूप असीम प्रकाश और शाश्वत आनंद की याद दिलाकर आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करती है। ध्यान अलगाव के भ्रम को भंग करने में मदद करता है,
जिससे हमें अपने अनंत दिव्य सार का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। निष्कर्ष: 5 दिनों का पुनर्कथन करें, जागरूकता, शुद्धि, कनेक्शन, सकारात्मक आदतें और उद्देश्य। दर्शकों को याद दिलाएं कि मानसिकता प्रबंधन एक आजीवन यात्रा है, न कि एक बार का फिक्स। हिंदू संस्कृति के कालातीत ज्ञान के साथ संरेखित करके हम अपनी उच्चतम क्षमता को जागृत कर सकते हैं। एक आशीर्वाद के साथ समाप्त करें, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति की ओर आपकी यात्रा ज्ञान के प्रकाश और परमात्मा की कृपा से निर्देशित हो। कॉल टू एक्शन: दर्शकों को टिप्पणियों में अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, इस तरह की अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लें और स्पष्टता और उद्देश्य की तलाश करने वाले अन्य लोगों के साथ वीडियो साझा करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके दिन को उज्ज्वल किया और आपको प्रेरणा का बढ़ावा दिया। यदि आपको यह पसंद आया है तो अधिक उत्थान सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें, जो आपको प्रेरित करेगी और जीवन को लेने के लिए तैयार रखेगी। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले एक में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। धन्यवाद।